हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर स्टडिंग अवर साइंस बुक ऑफ क्लास 8। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग अवर फर्स्ट लेसन इन दीज डेज। इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा इस बुक का फर्स्ट लेसन, विच इज जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मीन्स फसल उत्पादन और प्रबंधन। And in this lesson we are studying the agricultural practices. और इस lesson में हम लोग study कर रहे हैं agricultural practices के बारे में। These are seven works which are necessary for cultivation, for agriculture. ये ऐसे सात कार्य हैं, ये ऐसे सात काम हैं जो कि खेती के लिए जरूरी होते हैं। And here these are given इन ए ऑर्डर, यहाँ पर इनको दिया गया है एक क्रम में। एंड दीज आर सेवन वर्क्स, और ये सात वर्क हैं, सात कार्य हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द सोइल, सबसे पहले हमें अपनी खेत की जो सोइल है उसको प्रिपेयर करना होता है। देन वी हैव टू सोइंग, उसके बाद हमें सोइंग करनी होती है यानी बीज बोना होता है। देन वी हैव टू एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और उसके बाद हमें ऐड करना होता है अपने खेत की मिट्टी में मैन्योर यानी खाद या फिर फर्टिलाइजर। एंड देन वी हैव टू इरिगेशन, वी हैव टू इरिगेट द फील्ड, और उसके बाद में हमें खेत की सिंचाई करनी होती है, हमें इरिगेशन करना होता है। एक्चुअली वी आर स्टडिंग अबाउट द फोर्थ पॉइंट, और एक्चुअली हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये फोर्थ पॉइंट डिटेल में। And we are studying the point in middle of this. इसके बीच में हम लोग study कर रहे थे इस point के, irrigation. And today's video is the ninth video of this lesson. आज का ये video जो है वो ninth video है इस lesson का. Let's start the today's video. आइए शुरू करते हैं आज का video with this point. Sources of irrigation. अप टू हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द व्हाट इज द इरिगेशन। अभी तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि इरिगेशन क्या होता है। हम एक रेगुलर इंटरवल के साथ, एक निश्चित अंतराल के साथ जब अपने फील्ड में वाटर की सप्लाई करते हैं तो इसको इरिगेशन कहते हैं। और इरिगेशन की जो फ्रिक्वेंसी है, जो बारंबारता है कि हम आवृत्ति है कि हम कितनी बार सिंचाई करें किसी खेत की, तो ये क्रॉप टू क्रॉप इस ये वेरी करता है। फसल एक फसल से दूसरी फसल में जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग हो सकती है इरिगेशन की, इसी तरह सोइल टू सोइल। एंड ये थर्ड जो था, यहाँ पर हम लोगों ने थ्री ऐसे मेजर्स देखे थे, थ्री ऐसे फैक्टर्स देखे थे जो कि इरिगेशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये है, देखिए क्रॉप टू क्रॉप यानी फसल से फसल यानी अलग अलग फसलों में जो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग हो सकती है। सोइल टू सोइल यानी मिट्टी से मिट्टी, अलग अलग प्रकार की सोइल में अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, अलग अलग बार किसी में कम पानी देने की जरूरत पड़ सकती है, किसी में ज़्यादा पानी देने की जरूरत पड़ सकती है। एंड सीजन टू सीजन, और ऋतु के हिसाब से भी वाटर की जो सप्लाई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है, अलग अलग होती है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, और आज हम लोग जो स्टडी करेंगे इरिगेशन के बारे में वो है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन के स्रोत। सोर्सेज क्या होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि कोई भी थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से हमें मिलता है, वो जहां से हमें कोई चीज मिलती है वो सोर्स कहलाता है। जैसे पानी हमें कहां से मिलता है तो वो वाटर का सोर्स है, हमें एनर्जी कहां से मिलती है तो वो एनर्जी का सोर्स है, हमें पैसा कहां से मिलता है वो मनी का सोर्स है। तो सोर्स वो जगह होती है जहां से हमें कोई भी चीज प्राप्त होती है। हिंदी में इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं स्रोत, जल के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, पैसे का स्रोत। तो यहां पर हम इरिगेशन के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम इरिगेशन जो करते हैं, हम जो सिंचाई करते हैं उसका सोर्स क्या क्या है, वो कहां से हमें प्राप्त होता है वो वाटर जिसके थ्रू हम इरिगेशन करते हैं।
द सोर्सेज ऑफ वॉटर फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए जो वॉटर होता है उसके सोर्सेज आर, वो हैं वेल्स यानी कुएं, ट्यूब वेल्स यानी नलकूप, पॉन्ड्स मीन्स तालाब, लेक्स मीन्स झीलें, रिवर्स मीन्स नदियां, डैम्स यानी बांध एंड कैनाल्स और नहरें। ये सारे जो सोर्सेज हैं ये इरिगेशन के सोर्स हैं। एक्चुअली दे आर वाटर सोर्सेज, एक्चुअली वे वाटर के सोर्स हैं और वो वाटर जो हमें ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, वो हम फिर यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला जो पॉइंट है वो है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ द इरिगेशन। अब हमने हर एक पॉइंट में ये पढ़ा है कि वो काम हम ट्रेडिशनली कैसे करते थे, यानी पारंपरिक रूप से कैसे करते थे, और अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम कैसे करते हैं। हर एक पॉइंट में हमने पढ़ा है, जैसे कि हमने सोइल प्रिपरेशन वाला जो पॉइंट पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि कौन से टूल्स हम ट्रेडिशनली यूज करते थे, पारंपरिक रूप से यूज करते थे, और अभी एट प्रेजेंट हम कौन से टूल्स यूज करते हैं। इसी तरह मैन्योर जो है वो हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं, आजकल फर्टिलाइजर यूज भी कई लोग कर रहे हैं। तो हर एक पॉइंट में हमने दोनों टाइप के टूल्स या दोनों प्रकार के मेथड्स ये स्टडी किए हैं कि वो जो वर्क है, वो जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, वो ट्रेडिशनली किस तरह की जाती थी और आज उसको किस तरह किया जाता है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इरिगेशन की, यानी सिंचाई की। तो सिंचाई जो है वो पारंपरिक रूप से कैसे की जाती थी, हमारे जो फोरफादर्स होते थे, जो पूर्वज होते थे, या अर्लियर जो टाइम होता था, उसमें किस तरह से वाटर की सप्लाई अपने फील्ड में की जाती थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि पहले जो वाटर का लेवल था ग्राउंड में वो अच्छा होता था, वाटर लेवल अच्छा होता था ग्राउंड में, लेकिन आज वो वाटर लेवल उतना अच्छा नहीं है, काफी नीचे चला गया है वाटर, जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर का जो पानी है वो। तो इसलिए पुरानी जो टेक्निक्स हैं वाटर को बाहर निकालने की, वो अब सफिशियंट नहीं रहती है, उनसे हम वो काम नहीं कर पाते हैं। आजकल मशीन और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से और इस तरह की मशीनों की हेल्प से वाटर को बाहर निकाला जाता है, और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर तो नीचे ही जाता जा रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक है, आने वाले समय में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य जो है, आज का जो ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन, वो फ्यूचर को नहीं देख करके और प्रेजेंट को एन्जॉय करने की मेंटेलिटी रखता है, भविष्य किसने देखा है, और वो ये सोचकर सब कुछ करता रहता है। तो अभी हम लोग जो मेथड्स पढ़ेंगे वो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कि पारंपरिक रूप से पहले के समय में किस तरह से इरिगेशन किया जाता था या सिंचाई की जाती थी। सो पॉइंट इज, तो पॉइंट है अपना ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स यानी पारंपरिक तरीके। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, जो वाटर वेल्स यानी कुओं में अवेलेबल होता है, लेक्स में अवेलेबल यानी झीलों में अवेलेबल होता है, एंड कैनाल्स और नहरों में अवेलेबल होता है, इज लिफ्टेड अप, उसको उठाया जाता है या ऊपर लिया जाता है बाय डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स से, तरीकों से, इन डिफरेंट रीजंस, अलग अलग क्षेत्रों में, यानी देश के अलग अलग भागों में या देश अपने राज्य के भी अलग अलग हिस्सों में, रीजंस में, जो टेक्निक्स है लिफ्ट अप करने की, वाटर को लिफ्ट अप यानी ऊपर उठाने की जो टेक्निक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती है फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, इसको फील्ड्स तक ले जाने के लिए, इसको खेतों तक ले जाने के लिए। कैटल यानी कि मवेशी या जानवर, और ह्यूमन लेबर या फिर मनुष्य के जो मजदूर होते हैं, मनुष्य मजदूर, जानवरों का भी, कैटल का भी यूज किया जाता है इसके लिए, और ह्यूमन लेबर यानी मानवीय श्रम, मनुष्य की जो मेहनत है, इज यूज्ड, ये यूज की जाती है इन दीज मेथड्स, इन मेथड्स में। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इनमें या तो कैटल का यूज किया जाता है, मवेशियों या पशुओं का, या फिर ह्यूमन लेबर, मनुष्य का जो श्रम है, जो मेहनत है, वो यूज की जाती है। सो दीज मेथड्स आर चीपर
इसलिए ये जो मेथड्स हैं वो ज्यादा सस्ते हैं। चीप यानी सस्ता होता है और चीपर यानी उससे सस्ता। आजकल के जो तरीके हैं उससे ये पुराने वाले तरीके सस्ते होते थे, चीपर होते थे। आजकल जैसे जैसे डीजल का भाव बढ़ता है तो किसान भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी, किसान भी आज डीजल पेट्रोल पर डिपेंड हो गए हैं। पहले का किसान डीजल पेट्रोल पर डिपेंड नहीं होता था, वो डिपेंड होता था अपने बैलों पर, अपने जानवरों पर। डीजल पेट्रोल से उसका कोई वास्ता नहीं होता था, लेकिन आजकल सब कुछ डीजल पेट्रोल पर डिपेंड हो गया है। हालांकि अब धीरे धीरे सोलर एनर्जी का भी लोग यूज करने लगे हैं, अपने खेतों पर भी, अपने घरों पर भी। दैट इज ए गुड वे, वो एक अच्छा रास्ता है। लेकिन पेट्रोल डीजल पर जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम करनी चाहिए सभी को। तो ये पुराना जो तरीके होते थे जिसमें जानवरों का यूज किया जाता था या ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता था, वो चीपर होते थे, वो सस्ते होते थे, बट लेस इफिशियंट। लेकिन वो इतने इफिशियंट नहीं होते थे। इफिशियंट का मतलब है कुशल। कुशल का मतलब है कि कोई कई काम जो है वो कम ऊर्जा लगा करके भी अच्छा किया जा सकता है। टेक्निक का यूज जब अपन करते हैं, जैसे मान लो कोई भारी चीज है, उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, और आप भारी चीज को उठा के ले जाते हैं तो आपकी काफी मेहनत लगती है। लेकिन अगर उसके नीचे कुछ रोलर का यूज करके, कुछ टेक्निक लगा के आप उसको लुढ़का के ले जाते हैं, तो उसकी उसमें आपकी कम लेबर लगती है। तो जब हम टेक्निक का यूज करते हैं कहीं पर भी, तो हमारी लेबर घट जाती है और वो जो काम है वो कुशलता से हो जाता है, इफिशियंसी से हो जाता है। तो ये जो पुरानी टेक्निक्स है, ये हालांकि चीपर तो होती थी, यानी सस्ती तो होती थी, लेकिन इनमें काफ़ी मेहनत लगती थी। इनमें इसीलिए इनको एफिशिएंट कम माना जाता है। यानी अब पुराने टेक्निक को अगर आज के लिए, आज जिस तरह से पानी 500-600 फीट नीचे है ज़मीन में, उन पुरानी टेक्निक से हम नहीं निकाल सकते हैं इस इतने नीचे के पानी को। तो ये पुरानी जो टेक्निक्स थी ये चीपर तो थी, यानी सस्ती तो होती थी, लेकिन इतनी इफिशियंट नहीं होती थी जितनी आज वाली टेक्निक्स है। तो ये बट लेस इफिशियंट, लेकिन कम इफिशियंट यानी कम कुशल होती थी। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, कई प्रकार के जो ट्रेडिशनल वेज हैं, जो पारंपरिक तरीके हैं, वो क्या क्या हैं देखेंगे यहां पर। देयर आर फोर ट्रेडिशनल मेथड्स गिवन हियर, यहां पर चार तरीके दिए गए हैं जो ट्रेडिशनल हैं, जो पारंपरिक हैं। सबसे पहला जो मेथड है वाटर लिफ्ट करने का, ट्रेडिशनल मेथड जो है वो है मोट। मोट इसका नेम है और इसको पुल्ली सिस्टम भी अपन कह सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ भी है मोट। तो इसमें जो ये पुल्ली लगी हुई है, देखो इसको, इस पहिए को पुल्ली बोलते हैं। तो इसमें एक बड़ा सा चमड़े का, या फिर चमड़े का ही होता है ये, मशक भी बोलते हैं इसको, ये डाला जाता है और फिर इस पहिए के ऊपर से रस्सी से इसको निकाला जाता है। तो ये मोट वाला जो, इसको मोट या फिर पुल्ली सिस्टम कहते हैं, ये एक तरीका है। सेकंड है चेन पंप। तो यहाँ पर देखिए चेन पंप भी दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर देखिए आप, एक चेन लगी हुई रहती है इसके, इस ये जो एक व्हील जैसा दिख रहा है आपको, इसमें चेन होती है और यहाँ दूर इसको खींचा जाता है, और इससे ये व्हील जब घूमता है तो इस चेन नीचे, चेन के साथ कंटेनर जुड़े रहते हैं, ये भी इस नीचे से पानी से भर करके वापस आके यहाँ पर खाली होते रहते हैं और वाटर अपने पास मिलता रहता है। तो इसमें चेन का यूज, ये देखिए ये चेन है यहाँ पर, तो चेन का यूज होता है, इसलिए इसको चेन पंप बोलते हैं। ये भी एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन इसमें भी जो खींचने का काम है वो देखिए, ये जो रोप यहाँ पर लगा हुआ है, रस्सा, उससे या तो कैटल इसको खींचते हैं, यानी कि या तो जानवर इसको खींचते हैं या फिर ह्यूमंस खींचते हैं। ये दूसरा एक तरीका है। थर्ड है ढेकली। ढेकली में देखिए क्या है, ऐसे बीच में एक सपोर्ट लगा दिया है, इधर भारी पत्थर है, जब इसको उठाया जाता है तो ये बाल्टी अंदर चली जाती है, फिर इसको इधर से थोड़ा सा दबाते ही ये बाल्टी उठ जाएगी, बाहर आ जाएगी और इसका पानी यूज में ले लिया जाएगा। लेकिन ये, अब आप सोचिए, ये थोड़ा बहुत नीचे ही पानी होगा तो ही इस तरह से अपन निकाल सकते हैं उसको। अगर 500 फीट नीचे है तो कैसे अपन ये इसको कर पाएंगे। तो ये वहाँ पर ये यूजफुल नहीं है इस तरह के तरीके, लेकिन ये पारंपरिक तरीके हैं
मनुष्य ने अपने ही कारण से ज़मीन के पानी को वेस्टेज करके या यूज़ करते हुए इसको कम कर दिया है, तो इसका कारण भी मनुष्य ही है। लेकिन अब ये तरीके अब यूज़फुल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे हिस्से अभी भी हैं अपने देश में जहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्राउंड वाटर का लेवल है, काफ़ी ऊपर पानी रहता है, तो वहाँ पर ये तरीके जो है अभी भी यूज में आते हैं। फोर्थ जो जो ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का वो है रहट, जिसको लीवर सिस्टम कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बैल लगा रहता है जो चारों ओर घूमता रहता है, और ये घूमने के साथ ही इसके साथ में ये वाला जो एक आपको दिख रहा है ये व्हील, ये कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पर एक कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो जैसे जैसे यहाँ बैल इसको घुमाता है तो इसके कारण से ये जो व्हील है वो भी घूमता है, और इसमें कंटेनर्स लगे हुए होते हैं, वो अंदर जा कर के और फिल हो कर के बाहर आके और इनको वैकेट कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है वाटर को। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं रहट। आपने एक हिंदी की कविता में सुनी होगी ये लाइन, पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज़ वहाँ मेरे गांव के खेत में। तो ये सब पुरानी पद्धतियां हैं, ओल्ड प्रैक्टिसेज हैं इरिगेशन की। तो यहाँ पर फोर ऐसी ये प्रैक्टिसेज, फोर ऐसे वेज दिए गए हैं जो कि ट्रेडिशनल हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब देखिए यहाँ तक जो अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो सारा ट्रेडिशनल था, अभी तक जो काम में आ रहा था वो ट्रेडिशनल वेज थे, वो पारंपरिक तरीके थे। लेकिन ये जो तरीके थे ये चीपर तो थे, सस्ते तो थे, लेकिन इतने इफ़िशियंट नहीं थे, क्योंकि वाटर का जो लेवल है वो बहुत गहरा नहीं होता था पहले, तो आसान तरीके से पानी को बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन अब क्या है कि अब बहुत नीचे जा चुका है पानी, और वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल काफ़ी डाउन जा चुका है, और इसलिए अब पंप जो है उनका उपयोग किया जाता है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड, पंप्स को बहुत ही साधारण रूप से यूज किया जाता है फॉर लिफ्टिंग वाटर, पानी को उठाने के लिए। अब आजकल पंप का उपयोग ज़्यादा किया जाता है पानी को ऊपर उठाने के लिए। अब पंप भी तरह तरह के हैं, डीजल से चलने वाले पंप हैं, बिजली से चलने वाले पंप हैं, और बायोगैस से चलने वाले पंप हैं। अब देखिए वही लिखा है यहाँ पर, डीजल डाल के पंप चलाया जाता है, बायोगैस से भी पंप चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, एंड सोलर एनर्जी। आजकल सोलर एनर्जी का भी काफ़ी प्रयोग बढ़ता जा रहा है, खेत में ही सोलर प्लेटें लग जाती है और उनसे फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है और उसी से पंप चलता है खेत का। तो ये सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स, ये इन पंप्स को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं। अब बात आती है मॉडर्न की, ये अभी थोड़ा बहुत इसकी प्रीफेस दिया गया था, इसकी भूमिका दी गई थी कि क्या है मॉडर्न तरीके। तो मॉडर्न तरीकों में जो पंप्स का यूज किया जाता है, लेकिन अब जैसे पंप से पानी बाहर तो आ गया, लेकिन अब खेत में उसको हर पौधे तक भेजना कैसे, तो वो एक्चुअली वही इरिगेशन है। अभी जो बात हो रही थी वो तो वाटर लिफ्ट करने की हो रही थी कि वाटर को कैसे लिफ्ट किया जाता था, तो पुराने तरीके क्या होते थे और आजकल पंप से बाहर निकाला जाता है पानी को, पंप दो तीन टाइप से चलते हैं। लेकिन अब बात आ रही है कि आपने जो पानी बाहर निकाला है उसको हर पौधे तक कैसे पहुंचाएंगे आप खेत में, वो एक्चुअल में वो जो तरीका होता है वो इरिगेशन है, वो सिंचाई है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब आजकल के मॉडर्न जो आधुनिक समय में क्या तरीके यूज किए जाते हैं इरिगेशन के, तो यहाँ पर मेनली दो तरीके डिटेल से दिए गए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो देखिए ये एक पिक्चर है, इसमें ये यहाँ मोटर लगी हुई है और ये पानी को नीचे से खींचती है और यहाँ आगे इधर इस पाइप से पानी को खींचती है और इस पाइप से थ्रो करती है। तो इससे जब ये पानी थ्रो होगा तो इन पाइपों में जाता है, पाइपों में आगे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, इनको स्प्रिंकलर कहते हैं, फंवारे, और इसमें से जो नोजल लगे हुए रहते हैं इनके ऊपर, और वो उसमें से फंवारे के रूप में, स्प्रिंकलर के रूप में ये पानी जो फसल होती है, क्रॉप होती है, उसके ऊपर स्प्रेड होता है।
इस तरह से स्प्रेड होता है जैसे बारिश हो रही हो। तो ये एक तरीका है, स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं इसको। दूसरा एक तरीका है, इसमें भी यही मोटर है, पानी बाहर निकालेगी और आगे भेजेगी। इसमें स्प्रिंकलर नहीं लगे हुए हैं, इसमें पाइप बिछे हुए रहते हैं और हर पौधे के पास में उस पाइप में से एक कनेक्शन दिया हुआ रहता है और उसमें से ड्रॉप ड्रॉप गिरती रहती है, बूंद बूंद गिरती रहती है। ये सबसे इफिशियंट सिस्टम माना जाता है, सबसे कुशल सिस्टम माना जाता है कि कम से कम पानी में अच्छी से अच्छी अगर इरिगेशन करना हो तो वो इस तरीके से ही किया जाता है और पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जा रहा है। स्पेशली जहाँ पर वाटर की जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, एक बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है पानी, वहाँ पर ये सिस्टम बहुत ही इफिशियंटली काम करता है। इजराइल जैसे देश जहाँ जो कृषि में दुनिया में नंबर वन है, वो भी इसी सिस्टम को यूज करते हैं। इंडिया में भी बहुत सारी जगह पर ये आपको सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस, आधुनिक जो तरीके हैं इरिगेशन के, हेल्प अस यानी वो हमारी मदद करते हैं टू यूज वाटर, पानी को यूज करने में इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब है मित व्ययता से। अपन किसी भी चीज को अगर इतनी मात्रा में ही उपयोग करते हैं कि जितनी जरूरत हो, या सोच समझ के उपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते अपन किसी चीज का, तो वो कहलाता है मित व्ययता से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इंग्लिश में हम इसको इकोनॉमिकली कह सकते हैं। तो मॉडर्न जो तरीके हैं उसमें जो सप्लाई होती है, देखिए जो ट्रेडिशनल तरीके थे उसमें पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, तो वहाँ अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, आजकल अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन पहले जो तरीके यूज में आते थे उसमें जो सिस्टम होता था वो इतना एफिशिएंट नहीं होता था, पानी खूब वेस्टेज भी जाता था, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था, स्प्रिंकलर नहीं था, कोई ये ड्रॉप सिस्टम नहीं था, केवल सीधा पानी चलता था खेत में। तो बहुत सारा पानी तो इवेपोरेशन का होकर के भाप बन के उड़ जाता था, मिट्टी इधर उधर सोख लेती थी पानी को, तो ये पहले इसका वेस्टेज ज़्यादा होता था। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें इफ़िशियंटली ज़्यादा काम करते हैं सिस्टम, यानी एक एक बूंद का उपयोग करते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो मॉडर्न मेथड्स हैं, आधुनिक जो तरीके हैं इरिगेशन के, हेल्प अस, हमारी हेल्प करते हैं टू यूज वाटर, पानी को यूज करने में इकोनॉमिकली यानी मित व्ययता से। द मेन मेथड्स यूज्ड आर, जो मेन मेथड्स यूज किए जाते हैं एज फॉलोज, वो निम्नलिखित तरीके से हैं। फर्स्ट जो मेथड यहां दिया गया है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम यानी फंवारे का सिस्टम। स्प्रिंकलर यानी फंवारा होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम फंवारा तंत्र। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल, ये जो सिस्टम होता है ये ज्यादा उपयोगी होता है ऑन द अनइवन लैंड। देखिए इवन का मतलब होता है, वैसे तो इवन का मतलब होता है सम, सम संख्या और विषम संख्या, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने ऑड और इवन नंबर। तो इवन का मतलब सम होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है समतल। लेकिन अभी यहां पर इवन नहीं बोला गया है, अन इवन बोला गया है, यानी असमतल, असमतल। तो ये जो सिस्टम है ये यूजफुल है, ज्यादा यूजफुल है ऑन द अन इवन लैंड, असमतल भूमि पर। जो भूमि समतल नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है, ऊपर नीचे होती है, वो उसको अन इवन लैंड कह सकते हैं हम। वहां ये जो सिस्टम है वो ज्यादा यूजफुल है। वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहां पर्याप्त पानी नहीं उपलब्ध होता है, पानी कम होता है और जो लैंड होती है वो अन इवन होती है, वहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम यूजफुल है। हालांकि लगा अपन कहीं पर भी सकते हैं, हम इवन लैंड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अन इवन वाली लैंड पर ये सबसे बेस्ट है। द वॉटर द परपेंडिक्यूलर, अब इसमें देखिए होता क्या है वो बताया गया है। द परपेंडिक्यूलर पाइप्स, परपेंडिक्यूलर्स का मतलब है सीधा खड़ा, जैसे आपने फंवारे देखे होंगे खेत में ऐसे खड़े रहते हैं इरेक्ट पोजीशन में, तो वो परपेंडिक्यूलर यानी ऊर्ध्वाधर, हिंदी में इसलिए थोड़ा टिपिकल वर्ड है ये, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा, ये इसको परपेंडिक्यूलर कहा गया है। द परपेंडिक्यूलर पाइप्स, जो खड़े पाइप्स होते हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, जिन जो रखते हैं, खड़े पाइप होते हैं
जिन जो हैविंग यानी जो रखते हैं यानी उनके ऊपर होती है रोटेटिंग नोजल्स, रोटेटिंग यानी घूमने वाली नोजल्स यानी नोक। तो आपने फंवारे देखे होंगे खेतों में, जब वो चलते हैं तो थोड़ा घूम घूम के चलते हैं, चारों तरफ वो थोड़ा रोटेट होते रहते हैं, तो यही यहाँ पर बोला गया है। तो कि उसमें परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, खड़े पाइप होते हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स और उनमें घूमने वाले नोजल्स होते हैं ऑन टॉप, टॉप पर यानी ऊपर की तरफ, आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन। ये जो परपेंडिकुलर पाइप होते हैं ये मेन पाइप से जॉइंड यानी जुड़े हुए रहते हैं पाइपलाइन से, एट रेगुलर इंटरवेल, निश्चित अंतराल पर, रेगुलर यानी निश्चित या लगातार, इंटरवेल यानी अंतराल, थोड़ी थोड़ी दूर पर एक निश्चित अंतराल पर ये इस तरह के परपेंडिकुलर पाइप जो है वो जॉइंड होते हैं मेन पाइपलाइन से। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब पानी को बहने दिया जाता है, फ्लो करने दिया जाता है थ्रू द मेन पाइप, मेन पाइप में से जब वाटर फ्लो होता है, बहता है, अंडर प्रेशर, प्रेशर के साथ मोटर प्रेशर से पानी को फेंकती है मेन पाइप में, विद द हेल्प ऑफ ए पंप, पंप की हेल्प से, इट एस्केप्स, तो ये निकलता है जो पानी है वो प्रेशर से जब मेन पाइपलाइन में जाता है तो ये फिर आगे उन परपेंडिकुलर पाइप्स में जाकर के एस्केप यानी निकलता है, बाहर निकलता है फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, घूमते हुए नोजल्स में से ये बाहर निकलता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, और ये फंवारा गिरता है, इट गेट्स स्प्रिंकल यानी फंवारा होता है, गेट्स स्प्रिंकल्ड का मतलब है फंवारे के रूप में गिरता है, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ये फंवारे के रूप में गिरता है ऑन द क्रॉप, क्रॉप के ऊपर, एज इफ इट इज रेनिंग, जैसे कि रेनिंग हो रही हो, जैसे कि बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल, स्प्रिंकलर जो है वो जो फंवारा है वो बहुत ही उपयोगी है फॉर लॉन्स यानी घास के मैदानों के लिए, कॉफी प्लांटेशन, कॉफी के जो बागान होते हैं उनके लिए, एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, और कई दूसरी फसलों के लिए। ये था फर्स्ट मेथड, मॉडर्न जो मेथड है इरिगेशन के, यहाँ पर टू मेथड्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, उसमें से वन मेथड था जो स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकंड जो सिस्टम है वो है ड्रिप सिस्टम यानी बूंद बूंद सिंचाई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही थोड़ा बहुत समझा दिया है, तो इसमें ड्रॉप ड्रॉप गिरती रहती है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द वॉटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, पानी गिरता है बूंद बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद, डायरेक्टली नियर द रूट्स, सीधा, डायरेक्टली यानी सीधा, नियर द रूट्स यानी जड़ों के पास, जड़ों के पास में एक बटन जैसा लगा रहता है हर पौधे के पास में, हर प्लांट के पास में, और वहां से बूंद बूंद पानी गिरता रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक, ये सबसे अच्छी टेक्निक है, तकनीक है फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, फल के पौधों को पानी देने के लिए, गार्डन्स यानी कि बगीचों में, एंड ट्रीज और पेड़ों को पानी देने के लिए। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इट इज ए बून, बून एक नया शब्द है, बून यानी वरदान होता है। इट इज ए बून, ये एक वरदान है इन रीजन्स, उन क्षेत्रों में वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहां पानी की जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है वो कमजोर होती है, पुअर होती है, वहां पर ये एक तरह का वरदान है, बून है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द पॉइंट इरिगेशन टुडे, आज हम लोगों ने जो पॉइंट था इरिगेशन वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। अब हमें जो हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज स्टडी कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसके बाद में आएगा, उसका नेम है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से सुरक्षा। ये भी एक वर्क है इम्पॉर्टेंट जो कि कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए करना होता है, तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट टुडे वी हैव नॉट एनफ टाइम, आज अपने पास अब पर्याप्त समय नहीं है, वी हैव टू फिनिश द वीडियो टुडे। डियर स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू लर्न द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस
जो भी आपको डेफिनेशंस या टर्म्स इम्पॉर्टेंट लगती है उनको आपको लर्न करते जाना चाहिए। और नए नए जो वर्ड्स आते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आते हैं, जो आपको लगता है कि ये हमने पहले कभी देखा नहीं है, तो उसको अंडरलाइन करते हुए उसको लर्न करना चाहिए, ताकि आपकी वोकेबलरी जो है वो बिल्टअप हो सके, और आगे जब कभी वो वर्ड वापस आता है आपके सामने तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो प्लीज़ ट्राई टू लर्न द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड डेफिनेशंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो एंड स्टार्ट द न्यू पॉइंट। See you and bye.